हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 5 था सब्सिडरी बुक, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 आज करेंगे। उससे सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 बाय 1 हम करेंगे, जो आपको पेज नंबर 172 पे दिया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपल कॉलम, मतलब अगर सिंपल कैशबुक सिखाया था, आज करेंगे कैशबुक विथ 2 कॉलम। वो सिंपल था, ये डबल कॉलम कैशबुक है। यहाँ पर करना कुछ नहीं, फॉर्मेट भी सेम ही है, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, LF। यहाँ पर क्या गया, खाली 2 कॉलम रहेगा। एक को इसका कॉलम रहेगा कैश का रहेगा, दूसरा किसका रहेगा, बैंक का रहेगा। सेम एज यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर नंबर LF कैश का, और किसका रहेगा, बैंक का कॉलम रहेगा। ये फॉर्मेट आपको देखो, सिंगल कॉलम आए तो एक पेज पे बनाना है, डबल कॉलम आए तो 2 पेज पे बनाना है। मतलब ये जो रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट, यहाँ ये आपका जो लेफ्ट हैंड पेज पे बनेगा, ये आपका राइट हैंड पेज पे बनेगा। मतलब दोनों सामने सामने का पेज लेना, मतलब ये आपका जो लेफ्ट, मतलब आपका डेबिट पेज पे ये पूरा इतना आ जाएगा, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, LF कैश अमाउंट और बैंक अकाउंट, बस। और आपका जो राइट हैंड साइड पे पेज पे, वहाँ पर आ जाएगा डेट, पटी, पेमेंट वाउचर नंबर, LF कैश और बैंक अकाउंट रहेगा। ऑलरेडी अगर आपने सिंपल कैशबुक सीखा रहेगा तो ये डबल कॉलम कैशबुक सिंपल है। अगर जर्नल आता रहेगा तो लेजर आएगा, लेजर आता रहेगा तो सब्सिडरी बुक आएगा। और डोंट वरी, मेरे वीडियो देखे रहेंगे तो डेफिनेटली 110% आपको समझ में आ जाएंगे। और करना क्या है, मैंने एक और आपको बताया था, कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब जिस एंट्री में कैश और बैंक, मतलब कैश डेबिट है बैंक क्रेडिट है तो बैंक डेबिट है कैश, मतलब जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आए। जस्ट एग्जांपल, मैं अगर कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ तो एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर कैश मेरे पास से जाएगा और क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, या मतलब यहाँ पर क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट है क्रेडिट में है कैश। एग्जांपल, मैं अगर बैरर चेक अगर डिपॉजिट करूँगा तो मेरे पास से क्या जाएगा, मतलब यहाँ से कैश जाएगा और किसके पास आएगा, बैंक से आएगा। अगर बैंक से पैसा विड्रॉ करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा और किसके पास से जाएगा, बैंक के पास से जाएगा। मतलब ऐसा एंट्री जहाँ पर बैंक डेबिट है और क्रेडिट कैश है, या तो क्रेडिट में बैंक है डेबिट में कैश है, उसको एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने मीनिंग पार्ट में आपको बता दिया। और कॉन्ट्रा एंट्री डिनोटेड किससे होता है, सी से होता है। क्लियर है, कहाँ से होगा, सी से होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देखो, अभी बैंक कहाँ पर है डेबिट में, तो इसका अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, बैंक की कॉलम में आएगा। नाम क्या रहेगा यहाँ पर, टू कैश अकाउंट रहेगा। क्लियर है, अगर देखो बैंक कहाँ था डेबिट में, तो अमाउंट किसकी कॉलम में आएगा, बैंक की कॉलम में। इसको सी लिखते, कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा तो सी और क्या रहेगा, टू। अगर यही एंट्री अगर क्रेडिट में लिखे तो बाई, अगर देखो अमाउंट कहाँ है, कैश क्रेडिट है, तो अमाउंट कौन सी कॉलम में आएगा, कैश में, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाई, बैंक का नाम आ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों की LF कॉलम में क्या रहेगा, सी सी आपको लिखना पड़ेगा। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 क्या बोल रहे, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जनवरी 2018 दिया गया है। डेट क्या रहेगा, जनवरी 2018, मतलब जनवरी का पूरा यहाँ पर डेट दिया गया, मतलब हमें क्लियरली बोला गया कौन सा बनाना है, 2 कॉलम क्या बनाना है, कैश बुक बनाना है। जैसा आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से क्या करके रखा है, प्रिपेयर करके, 2 कॉलम आए तो याद रखना 2 पेज पे रहेगा, 1 कॉलम आए तो 1 पेज पे 2 कॉलम रहेगा, तो 2 पेज पे रहेगा। वेरी फर्स्ट ऊपर इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया नहीं गया किसकी बुक्स है, तो मैंने खाली लिख दिया इन द बुक्स ऑफ कैश बुक विथ 2 कॉलम, डेबिट, डेट, डेट, ये रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, LF कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट रहेगा। सेम एज यहाँ पर भी, मतलब ये 2 पेज पे बनेगा, डेट, पेमेंट यहाँ पर करेगा, वाउचर नंबर, LF कैश अमाउंट, और ये डेबिट अपना हो गया, मतलब ये वाला पेज मेरा डेबिट हो गया, ये वाला पेज मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है, और आपको दोनों सामने सामने का ही पेज लेना, आगे पीछे का पेज लेना नहीं है, आपको दोनों सामने सामने का ही पेज रहेगा। यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना है, 1,20,000। क्लियर है, मतलब जनवरी 2018 यहाँ पर कौन सा दिया है, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना बोल रहे, 1,20,000। इसका अगर मैं आपको जस्ट एज अ जर्नल एंट्री बता के बताऊँ तो 2018 देगा यहाँ पर, जनवरी क्या रहेगा, फर्स्ट स्टार्ट बिजनेस कर, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा बेटा, 1,20,000 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,20,000। टू, इसे क्या बोलेंगे, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगा था उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। क्लियर है, तो कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा, 1,20,000 रुपीज़ रहेगा। तो देखो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे। नाम क्या रहेगा अपने लिए, कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो जैसा देखो, ये कैश कहाँ पर है डेबिट में, तो कैश अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। तो ये जो हमने 2 कॉलम कैश बुक बनाया उसकी कहाँ लिखेगी, डेबिट साइड, क्यों, कैश कहाँ पर है, डेबिट साइड है। तो देखो एंड में मैंने DR लिखा है तो कैश डेबिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2018 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, जनवरी फर्स्ट रहेगा। क्लियर है,
यहाँ पर देखो कैश डेबिट है तो कैश की नाम किसका रखते हैं, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का नाम क्या दिया है, टू कैपिटल मुझे दिया गया है, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। अभी कैश में अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो देखो ये कैश में अमाउंट कितना लिखूंगा मैं, 1,20,000 लिखूंगा। तुम बोलोगे सर बैंक में क्या करेंगे, बैंक में चुपचाप क्या कर देंगे हम, डैश कर देंगे। क्लियर है, इतना ही सिंपल है। कैश अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। और इसका नरेशन भी सिंपल है, बींग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखोगे। क्लियर है, बींग स्टार्टेड बिजनेस लिखो तो भी चलेगा, स्टार्टेड बिजनेस। क्लियर हो गया, बस इतना ही सिंपल था, बींग स्टार्टेड बिजनेस। अभी होने के बाद क्या करना है, इसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन आपको कर देना है पेंसिल से। बस हो गया, समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट मतलब कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम किसका रहेगा, सामने वाले का। आपने अगर मेरा पहला देखा रहेगा सिंपल कॉलम कैश बुक के दोनों सम कराए, तो आपको ऑटोमेटिकली समझेगा वो बेसिकली लेजर पे ही पूरा है। आगे क्या बोल रहे हैं, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा रुपीज़ कितना है, 50,000। मतलब कैश हम कहाँ पे कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, पे कर रहे होते यहाँ पर January 3, तो मेरे पास से तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है, कितना कैश जा रहा है मेरे पास से, 50,000 जा रहा है। और ये पैसा किसके पास आ रहा है, बैंक के पास। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा लिखो है, बैंक लिखो, बात एक ही है ना, बैंक के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है, 50,000 आ रहा है। क्लियर है, और जैसा मैंने बताया था, देखो यहाँ पर बैंक क्या है, डेबिट है, कैश क्या है, क्रेडिट। तो इसे कौन सा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्लियर है, तो कॉन्ट्रा एंट्री डिनोटेड किससे करते हैं, सी से करते हैं। क्लियर, और ये कहाँ आ जाएगा, LF कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है अपना, तो देखो क्या बोल रहे थे, कैश पेड इंटू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो एंट्री क्या रहेगा मेरे लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट लिखो तो भी चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, कैश का नाम रहेगा। अभी देखो बैंक कहाँ पर है, डेबिट में, तो हम बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर देखो बैंक कहाँ है, डेबिट में दिख रहा है आपको, तो बैंक अकाउंट की कॉलम में क्या आ जाएगा, बैंक डेबिट है, तो बैंक की क्या आ जाएगा, डेबिट साइड। देखो बैंक में अमाउंट कितना लिख दूँ मैं, 50,000 लिख दूँ, और यहाँ पर नाम क्या रहेगा, टू किसका नाम है, सामने कैश अकाउंट का नाम है। क्लियर है, और ये क्या दिया गया है मुझे, January 3, तो यहाँ पर मैं लिखूँ January 3 का एंट्री लिख दूँ। क्लियर, अभी देखो बैंक कहाँ था, डेबिट में, तो अमाउंट किसकी आ जाएगा, बैंक की कॉलम, और नाम तो अपना रहेगा नहीं, किसका नाम रहेगा, सामने वाले का नाम रहेगा। और ये कौन सा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, तो LF कॉलम में क्या आ जाएगा मेरे लिए, सी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, और देखो यहाँ पर अभी क्रेडिट साइड, ये डेबिट हुआ, अभी क्रेडिट साइड पे देखो किसका नाम है, कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में है। अमाउंट कितना आ जाएगा, कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पर कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 50,000 आएगा। एक लाइन इसके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले 2019 आ जाएगा। क्लियर, और जनवरी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, क्रेडिट में लिखते तो क्या लिखते, बाय। अभी देखो कैश कहाँ था, क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, और अपना नाम तो आएगा नहीं, तो डेबिट का नाम किसका दिया है, बैंक, तो इसमें किसका नाम रहेगा, बैंक का नाम रहेगा, तो बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर है, और मैंने बताया था कौन सा एंट्री हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ पर आ क्या लिख दूँ मैं, सी लिख दूँ। क्लियर है, LF कॉलम में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझा रहेगा, थोड़ा ही एक से बार हो, एक और बार आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर देखो बैंक का था डेबिट में, तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखे थे, डेबिट साइड, नाम किसका रहेगा, कैश अकाउंट का। सेम ऐसा कैश कहाँ था, क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, नाम किसका रहेगा, बैंक का नाम रहेगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। हमें क्या लिखना है, यहाँ पर नरेशन लिखना है, तो नरेशन क्या आएगा, बींग कैश डिपोजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग कैश क्या हो जाएगा, डिपोजिट आ जाएगा। क्लियर है, डिपोजिटेड लिखो तो भी चलेगा, बींग कैश डिपोजिटेड, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बींग कैश डिपोजिटेड आ जाएगा। क्लियर, बींग क्या रहेगा, कैश डिपोजिटेड आ जाएगा। क्लियर, अभी हो गया, तो इसको क्या करो, एक नीचे क्या करो, पेंसिल से क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, करोगे तो आज ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, वेरी सिंपल था। आगे एंट्री क्या बोल रहे, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, कितने का, 20,000 का क्या करें, गुड्स किसके पास से खरीद रहे हम, साक्षी के पास से खरीद रहे, ऑन क्या है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितना रहेगा, 20,000, और टू ये किसके पास से जा रहा है, क्लियर है, साक्षी के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साक्षी अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, अमाउंट कितना है, 20,000 है। क्लियर है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू साक्षी, और यहाँ पर कहीं कैश और बैंक आया है आपको, कहीं कैश और बैंक अकाउंट आया, नहीं आया, तो ये एंट्री कहीं नहीं पास होगी। क्लियर है, ये एंट्री कहीं नहीं पास होगी। क्लियर, इसके बारे में नीचे लास्ट में मैं एंड में नोट लिख देंगे। क्लियर है, जो जो एंट्री पास नहीं होगी, तो ये एंट्री कहीं नहीं पास होगी। क्लियर है, जो एंट्री में कैश और बैंक आया वही एंट्री पास होगी, बाकी का इधर एंट्री पास होगा नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं,
सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव अ बैरर चेक। मैंने बताया था बैरर चेक का मतलब क्या होता है, कैश होता है, क्लियर। अगर आपने मेरा मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला अब तक नहीं देखा है पार्ट तो प्लीज़ देख लेना। रिसोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव बैरर चेक, बैरर चेक मतलब क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 20,000 का आ रहा है। तो इसका सिंपल सा जर्नल एंट्री, यहाँ पर डेट दिया गया है, मुझे 6 दिया गया है। तो मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट सेट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। और बैरर चेक मतलब क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसा आप सभी को पता है, सोल्ड गुड्स टू देवेंद्र एंड रिसीव अ बैरर चेक मतलब क्या रहेगा, कैश रहेगा। मतलब क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट रहेगा। तुम बोलोगे देवेंद्र का नाम नहीं आएगा, कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो हम कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा जनवरी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर टू क्या रहेगा, यहाँ पर सेल्स अकाउंट रहेगा, क्लियर है। अमाउंट कितना रहेगा, देखो कैश है तो कैश की कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 20,000। तो कैश अकाउंट में कितना आ जाएगा, 20,000 आएगा, क्लियर है। बाकी में क्या रहेगा, डैश अकाउंट रहेगा, क्लियर है। अभी इसका नरेशन लिखना है तो क्या रहेगा, बिंग कैश सेल्स, क्लियर है। आप लिखो तो भी चलेगा, बिंग क्या रहेगा, कैश। हमें जितना हो सके उतना कम ही नरेशन लिखना है, क्लियर है। बिंग गुड सोल्ड ऑन ट्रेड तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा एकदम सिंपल एंड स्वीट ही लिखेंगे। आगे क्या बोल रहे, पेड टू साक्षी कैश। अभी देखो परचेस कर रहे थे साक्षी के पास से, तो अभी क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करेंगे। पे करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा क्या होगा, जाएगा। तो पैसा रिसीव कौन करेगा, साक्षी। तो उसका जनरल एंट्री क्या रहेगा, साक्षी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश। तो कैश कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट में, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्लियर है। थोड़ा सा आपको पता रहेगा, पे कर रहे तो कैश क्या रहेगा, क्रेडिट साइड में रहेगा, डेबिट में किसका नाम रहेगा, साक्षी का नाम रहेगा। तो यहाँ पर जनवरी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर जनवरी 10 लिखूँ मैं। यहाँ पर क्या रहेगा, बाई किसको पैसा पे कर रहे हम, साक्षी को पैसा पे कर रहे, तो साक्षी अकाउंट रहेगा। और कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, क्लियर है। कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 20,000 आएगा। इसका नरेशन लिखना रहेगा, बिंग कैश पेड टू साक्षी लिखो तो भी चलेगा, बिंग क्या रहेगा, कैश पेड टू साक्षी, क्लियर है। कैश पेड टू क्या आ जाएगा, साक्षी आ जाएगा, क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल ही है। आगे क्या बोल रहे, चेक रिसीव ऑन December 6, मतलब December 6 को जो हमको ये बैरर चेक मिला था उसको क्या करें, डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब मैंने अगर आपको बताया था, अगर बैरर चेक अगर डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर एंट्री नंबर कौन सा दिया है, 14 दिया गया, तो एंट्री नंबर 14 में लिखूँ। अगर कोई भी आप अगर बैरर चेक अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो अपने पास से क्या जाएगा, चेक जाएगा। और किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा। मतलब अगर चेक डिपॉजिट करोगे तो बैंक के पास आएगा और अपने पास से क्या आ जाएगा, चेक। पर बैरर चेक है तो क्या लिखते हैं हम, कैश लिखेंगे, क्लियर है। और अमाउंट कितना दिया गया है, 20,000 का दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 20,000 आएगा। मतलब देखो इस एंट्री में बैंक क्या है, डेबिट, कैश क्या है, क्रेडिट, तो इसे कौन सा एंट्री बोला जाएगा, कॉन्ट्रा। और कहाँ आ जाएगा, LF कॉलम में आ जाएगा, क्लियर है। सी हमें डिनोट करते हैं। अगर क्लियरली बोला है, देखो चेक रिसीव ऑन 6 December को हमें जो चेक मिला था, यहाँ पर 6 December नहीं आएगा, हमें 6 January रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर 6 December नहीं आएगा, 6 क्या रहेगा, यहाँ पर जनवरी को जो हमें चेक मिला था 2018 को, हम उसे डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं, बैंक में करें। कितने का चेक था ये, 20,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट करें, मतलब बैरर चेक डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। मतलब कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो देखो ये बैंक अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो ये कहाँ आ जाएगा, बैंक अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में लिखेगा, क्लियर। बैंक के अमाउंट की कॉलम में कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, क्लियर। अभी देखो बैंक नाम किसका रहेगा, कैश का, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू कैश अकाउंट नाम आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट डेट क्या दिया है, जनवरी 14 दिया गया, तो यहाँ पर जनवरी 14 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर ये आपको सी लिखना, मैं भूल गया, सी आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर LF कॉलम में सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अभी देखो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कॉलम में क्या लिखेगा, क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 20,000 आएगा। और इसको क्या लिखेगा, सी। और देखो कैश में नाम डेबिट का, डेबिट का नाम किसका दिया है, बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट देन डेट क्या दिया है, जनवरी 14 दिया गया है, क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पर क्या लिखेगी, बिंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बिंग चेक डिपॉजिट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा, चेक डिपॉजिट कर रहे तो यहाँ पर आ जाएगा, डिपोजिटेड आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर भी क्या रहेगा, बिंग चेक डिपॉजिटेड रहेगा, क्लियर है। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर आ जाएगा, बिंग चेक क्या कर रहा है, मैं डिपॉजिटेड कर रहे हैं, क्लियर है।
बस सिंपली अगर होने के बाद आप चाहो तो इसके नीचे क्या करोगे, लाइन कर लोगे। सबके नीचे क्या करने के, होने के बाद क्या करना है आपको, लाइन क्या करना है, एक एक ड्रॉ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सब में क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्लियर है? वेरी। अगर आपको और अच्छा दिखाना है तो एक एक लाइन छोड़ के भी आप लिख सकते हो। मैं तो हालांकि वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि वैसा ऐसे ही अच्छा दिख रहा है तो फिर एक एक लाइन छोड़ना क्यों, वरना ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। आगे एंट्री नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, देखो, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। देखो तो सेल कर रहे तो सेल्स ऑलवेज कर, और क्रेडिट पे बेचा तो सामने वाले का नाम आ जाएगा। तो क्या रहेगा, शिवाजी अकाउंट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 12,000। तो कहीं कैश और सेल्स आएगा, मतलब कैश और बैंक आएगा ही नहीं, तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे? नहीं, क्योंकि सेल कर रहे हैं ना, तो इसका सिंपल सा जनरल एंट्री यहां पर क्या रहेगा, टू सेल्स अकाउंट रहेगा। और डेबिट में किसका नाम रहेगा, शिवाजी का नाम रहेगा। क्लियर? अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। तो कहीं पे कैश और बैंक आया नहीं, तो ये एंट्री पास होगा नहीं। क्लियर है? वेरी सिंपल। आगे देखो क्या बोल रहे, सर्टन कार्ट्रेज पेड इन कैश। कितना पैसा पे करें, 500 पे करेंगे। पे करेंगे तो मैंने बताया था कैश अपने पास से क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ पर कितना पैसा जाएगा, 500 रुपीज़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। और किस चीज़ का जा रहा है, कार्ट्रेज, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्ट्रेज अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है, जनवरी क्या दिया गया है मुझे, 20 दिया गया है। तो यहाँ पर जनवरी 20 लिख दूंगा। और इसका नरेशन भी सिंपल है, बींग कार्ट्रेज पेड लिखो तो भी चलेगा। क्लियर? बींग कार्ट्रेज क्या रहेगा, पे करो तो भी चलेगा, बींग कार्ट्रेज पेड लिख दो। क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल है। अमाउंट कितना रहेगा, 500, और इसमें कुछ रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, डैश कर देंगे। अभी रिसीव कैश फ्रॉम शिवाजी कितना हो रहा है, 12,000। रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट। डेबिट पे कर रहे तो कैश क्रेडिट, और रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है। क्लियर है? तो एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर जनवरी क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर जनवरी 22 आ जाएगा। रिसीव करे तो पैसा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, शिवाजी। तो यहाँ पर आ जाएगा शिवाजी अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है मेरे को, 12,000। अगर कैश आया तो कैश की कॉलम में लिखना है, बैंक आया तो क्या आ जाएगा, बैंक की कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है? बींग क्या रहेगा, कैश रिसीव लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग क्या रहेगा, कैश रिसीव। क्लियर? ऑलरेडी नाम लिखना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखो ना, हमने नाम लिख ही दिया किसके पास से आ रहा है, शिवाजी के पास से पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है। अभी आगे क्या बोल रहे, कमीशन रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 5,000 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, 5,000 रुपीज़ में लिखूंगा। किस चीज़ का आ रहा है, कमीशन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? बींग कमीशन अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया, जनवरी 27 दिया गया। और इसका नरेशन क्या रहेगा, बींग कमीशन रिसीव, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग कमीशन रिसीव। क्लियर है? यहाँ पर सेम ही आ जाएगा, बींग कमीशन रिसीव आ जाएगा। क्लियर है? बस सिंपल। अभी क्या बोल रहे, ये वेरी सिंपल, ये सिंपल है। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल विड्रॉ, मतलब ड्रॉ का मतलब क्या हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं। और मैंने बताया था पर्सनल यूज आया तो क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और अपने पास से क्या आ जाएगा, यहाँ से टू कैश अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। कितने का कैश जाएगा, 2,000 रुपीज़ का जाएगा। और यहाँ पर भी कितना रहेगा, 2,000, बोला ही गया है। ड्रॉ का मतलब पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, कैश। ड्रॉ का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ विड्रॉ। क्लियर है? विड्रॉ का मतलब क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे तो आ रहा है, जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम रहेगा, ड्रॉइंग का नाम। पर्सनल यूज आए तो ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। और कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर कैश की क्रेडिट साइड अमाउंट कितना रहेगा, 2,000 रुपीज़। डेट दिया गया जनवरी 30 दिया गया है। और क्या रहेगा यहाँ पर, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट रहेगा। क्लियर है? बाय क्या पर आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट आ जाएगा। और नरेशन लिखना, बींग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज लिखेंगे, बींग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश क्या करें, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आ जाएगा। क्लियर है? फॉर क्या आ जाएगा, पर्सनल यूज अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? बींग विड्रॉ फॉर पर्सनल। अभी देखो कि सारा यहाँ पर कितना दिया है, 50। अभी इसको सारा मैंने क्या कर दिया, बारी आई टैली की। तो आपको कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से मैं क्लियरली आपको दिख रहा रहेगा। देखो जो कैश अकाउंट है उसके देखोगे आप, डेबिट साइड में कितना है, 1,20,020, ये 12, ये 5। तो ऑलवेज इसका कौन सा साइड ज़्यादा है, कैश का डेबिट साइड ही क्या आपको ज़्यादा मिलेगा। और देखोगे यहाँ पर तो 1,00,000 दिया, यहाँ पर इस सबका टोटल करोगे तो भी 1,00,000 हो रहा नहीं है। तो मतलब ये देखो डेबिट साइड क्या है इसका ज़्यादा। तो ऑलवेज कैश का कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो आपको दिखता रहेगा। तो ये जो डेबिट साइड है ना, ये साइड क्या है, ज़्यादा।
अगर ये 1,20,000 कितना हो गया, 40 हो गया, 1,40,000 प्लस ये 12 करेंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा क्लियर। तो 1,40,000 में और 17 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 1,57,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सेम ही लाइन में आपको लिखना है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,57,000 आ जाएगा मुझे क्लियर। अभी क्या करना है, देखो ये साइड दोनों, अभी ये साइड का डेबिट साइड का टोटल क्या करो, माइनस कर दो सिंपली। अभी पीछे जाने की जरूरत है, 20 + 20 कितना होता है, 40 + 50 कितना होगा, 90 कितना होगा, 92,500 माइनस कर दो। 1,57,000 में से कितना माइनस करना है, 97,200 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 64,500 आपको आंसर आएगा क्लियर, 64,500। अभी देखो बैंक का कौन सा, देखो बैंक में तो क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, सारा का सारा डेबिट है, तो इसका डेबिट साइड ही क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा क्लियर बैंक में, और यहाँ पर भी कितना रहेगा, ऊपर भी करेंगे तो पूरा ब्लैंक है, तो यही 70 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो जनवरी क्या रहेगा, जनवरी एंड कभी होता है, 31st को होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बाय। देखो यहाँ पर बैलेंस क्या रहेगा, ये फाइंड कर रहे हैं ना, प्लस माइनस करके देखो ना, इसमें से ही माइनस किया तो क्या आता है, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन आ जाएगा क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। और मैंने बताया था ये कहाँ आया, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, हमने जैसे लेजर अकाउंट में किया था, ये क्रेडिट में आया, तो सारा का कहाँ चला जाएगा, डेबिट में लिख दो, यहाँ पर लिख दो 64,500 लिख दो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा क्लियर। अब इसको नाम क्या लिखना है, ये कहाँ आया था, देखो इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो इसको क्या रहेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2018 फेब्रुआरी, जनवरी के बाद क्या था, February 1st, यहाँ पर रहेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा क्लियर। वेरी वेरी सिंपल, मैं इसके एंड में आपको पिक भी प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।